नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किरात साधना क्या है? दोस्तों, किरात साधना भी तंत्र विद्या की एक अत्यंत गोपनीय सिद्धि है। इसकी महिमा भी ब्रह्मा एवं मुक्ति की प्राप्ति के संदर्भ में है। वैसे इस किरात साधना से अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ, भविष्य दर्शन, सम्मोहन, तेज प्रभाव, ओरा, बुद्धि भाव का फलित होना आदि चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जीवन शक्ति बढ़ जाती है। संभवतः नवयौवन और कायाकल्प की विधियों में भी इनका महत्व है, परंतु इससे प्रामाणिक स्वरूप कहीं प्राप्त नहीं हुआ। मेरे शरीर पर प्रभाव पड़ा या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु ऐसा प्रभाव तो नहीं ही है जिसे कायाकल्प या नवयौवन कहा जा सके। परंतु जिस अमूल तत्व, मूल तत्व, परमात्मा तत्व की प्राप्ति इससे होती है, उससे सभी कुछ संभव है। असंभव भी संभव हो सकता है। कारण यह है कि इस ब्रह्मांड में जितने गुणों का प्रत्यक्ष हो रहा है, भूतकाल में हो रहा था या भविष्य में होगा, सब इसी तत्व से उत्पन्न होता है। यह विलक्षण तत्व स्वयं ही सर्किट बनाता है, स्वयं ही उससे मध्य नाभिक उत्पन्न करता है और इस प्रज्वलित परमाणु को पंप करता हुआ ब्रह्मांड बना देता है। कपाल सिद्धि भी इसी को प्राप्त करने की साधना है। किरात साधना भी इसी तत्व की साधना है और इसका भी ध्यान बिंदु वही है जो कपाल सिद्धि का है। इस साधना का अभ्यास नासिका बिंदु, नाक के अग्र नोक का निचला बिंदु से पीछे गर्दन के हड्डी तक खोपड़ी दो भागों में होती है। चांद के आगे पीछे से आपस में जुड़ जाती है, परंतु वह जोड़ विद्यमान होता है और यहाँ एक ऊर्जा नली होती है जो नासिका बिंदु से चांद के मध्य तक, फिर वहाँ से नीचे जाती है। यहाँ चांद के मध्य में ध्यान लगाकर मानसिक आरे से इस मध्य जोड़ को रगड़ रगड़ कर खोला जाता है। यह मानसिक ध्यान की एक गोपनीय क्रिया है। इस अभ्यास से पहले चांद के मध्य ध्यान लगाकर मध्य बिंदु को नीचे खींचने का प्रयत्न किया जाता है और इसे पूर्ण अभ्यासित कर आगे पीछे खींचते हुए जोड़ को ऐसे रगड़ा जाता है जैसे कि चीरा जा रहा हो। इससे यह जोड़ तीव्र ऊर्जा प्रवाह से भरने लगता है और चमत्कारिक विलक्षण शक्तियाँ प्राप्त होती है। यदि थोड़ा सावधान रहा जाए और आवश्यकता से अधिक समय तक एक ही दिन अभ्यास में किया जाए तो यह अभ्यास स्वयं भी किया जा सकता है। कपाल सिद्धि का भी अभ्यास इस किरात साधना का गोपनीय रहस्य। जब मैंने तंत्र विद्या एवं भारत के प्राचीन ज्ञान विद्या में गोते लगाने प्रारंभ किए थे तो प्रारंभिक समय में इस साधना के संबंध में बनारस के एक तांत्रिक से ज्ञात हुआ था। उसने काशी का वह कुंड भी दिखाया जहाँ तथाकथित किरात साधना की जाती थी। उसने कहा कि दो व्यक्ति
मुक्ति पाने वाले को स्नान कराकर आरे से खोपड़ी पर से चीरते थे। इससे उसे मुक्ति मिल जाती थी और वे सीधे वैकुंठ जाता था। सच कहूँ तो आज जबकि मैंने कठिन तप से इन रहस्यों को जाना है, एक तरफ आधुनिकतावादियों की मूर्खता पर क्षोम होता है तो दूसरी ओर इन पाखंडी तांत्रिकों, योगियों, महान अवतारों की व्याख्या से पता नहीं कि मूर्ख ने किरात साधना का वह अर्थ लगाया कि क्या पता कभी धार्मिक अंध अवस्था में यह प्रथा भी रही हो। जाने कितने निर्दोष मारे गए होंगे, वह भी क्रूरता से। तंत्र में काशी का अर्थ किरात रेखा ही है। नाक के बिंदु से चंद्रमा तक जाने वाली मध्य रेखा, यह शिव के त्रिशूल का मध्य शूल है। तंत्र में इसी काशी में ध्यान को लगाकर आरे की तरह चलाकर यह साधना की जाती है। जब चंद्रमा से दोनों ओर नीचे तक नासिका गर्दन की हड्डी का ऊपरी बिंदु यह पूर्ण मानसिक घर्षण से खुला जाता है, यह कुंड का अर्थ चंद्रमा का गड्ढा है। इससे जो चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होती है वह अवर्णनीय है। इससे साथ ही अंतर्दृष्टि बढ़ती है, अंतर्ज्ञान उत्पन्न होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, जिससे परमानंद की प्राप्ति